સુરત શહેરમાં રહેતી યુવતીએ નેશનલ લેવલ પર વેઇટલિફ્ટિંગ સ્પર્ધા જીતી નેશનલ લેવલ પર સુરતનું ડંકો વગાડ્યો છે. એક તરફ આજે સમાજમાં લોકો મહિલા અને યુવતીને બહાર નીકળવા માટે ગભરાય છે, ત્યારે બીજી તરફ સુરત શહેરના ઉધના વિસ્તારમાં રહેતી 25 વર્ષીય પીરજહાં અલાઉદ્દીન ખાન રાષ્ટ્રીય સ્તરે વેઇટલિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં જીતી સમગ્ર દેશમાં સુરતનો ડંકો વગાડ્યો હતો. 71મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે પીરજહાંને સુરત શહેરના મેયર ડોક્ટર જગદીશ પટેલ દ્વારા ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. જે અંગે વાતચીત કરતા પીરજહાંએ જણાવ્યું હતું કે તેને બાળપણથી જ વેઇટલિફ્ટિંગમાં જવું હતું. જોકે થોડા સમય પહેલા પીરજહાંના પિતાનું અવસાન થઈ જતા પીરજહાં માનસિક રીતે તૂટી ગઈ હતી, જેના બાદ પીરજહાંને તેના ભાઈ અને તેના માતા દ્વારા માનસિક રીતે તૈયાર કરી અને રાજસ્થાનમાં યોજાયેલા રાષ્ટ્રીય સ્તરે વેઇટલિફ્ટિંગ સ્પર્ધામાં જીતી સમગ્ર દેશમાં સુરતનું અને તેના પરિવારનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. વધુમાં પીરજહાંએ જણાવ્યું હતું કે આગામી સમયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારત દેશનું નામ રોશન કરે તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. मेरा नाम पीरजहां अलाउद्दीन खान है. पीरजहां जी, कल 26 जनवरी के मौके पर आपको सूरत महानगर पालिका के मेयर द्वारा अवार्ड दिया गया है, ट्रॉफी दी गई है. हाँ. किस चीज के बारे में ट्रॉफी मिली है? मुझे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में ट्रॉफी मिली है, नेशनल. अच्छा, ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करने का आपके मन में ख्याल कहाँ से आया? मुझे बचपन से ही था, बट हम मुसलमान है ना, तो हमारे में रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर्दे होते हैं, तो निकलने नहीं देते हैं. लेकिन मुझे करना था तो मैं करने के बढ़ने के लिए मैंने जिद की और अपनी फैमिलियों का सपोर्ट लिया और लेके मैंने सोचा कि मैं करूँ, कि आगे बढ़ूँ, कि मुझे देख के सारी लड़कियाँ भी आगे कर सकें, मुसलमान लड़कियाँ. ये वेट लिफ्टिंग करने में किस तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ा आपको? मुझे बहुत सामना करना पड़ा था. मैं वेट भी बढ़ जाता था ना, तो वेट कंट्रोल करने में भी डाइट करना पड़ता था, और मैं जब उठती नहीं थी तो मेरे फैमिली वाले मुझे उठाते थे, और मुझे अकेले सफ़र करना पड़ता था, अकेले जाना पड़ता था मुझे. मेरे भाई लोग कभी कभी मुझे लेके नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी मुझे अकेले जाना पड़ता था कि मैं कर सकूं. आपके समाज की और देश में भी लड़कियाँ हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी बढ़ो, आप भी करो, अपनी फैमिलियों का नाम रोशन करो, और जो पर्दे हैं वो पर्दे में नहीं रहे. ऐसा आगे आपका क्या ख्याल है? मुझे आगे इंटरनेशनल गेम खेलना है. मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल गेम खेलूँ और बड़ी बनूँ, और मेरे फैमिली वालों का नाम रोशन हो और देश का भी नाम रोशन हो. रहीम अलाउद्दीन खान. रहीम जी, आपकी छोटी बहन ने वेट लिफ्टिंग में अवार्ड जीता है, तो क्या है, किस तरह से आपने आपकी सिस्टर को सपोर्ट किया? सिस्टर जिद करती थी कि मुझे ये करना है, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, मुझे ये करना है. हमारे मुस्लिम कास्ट में होता नहीं था, आज की आवाज़ बैठी है तो मुस्लिम कास्ट में हमारा होता नहीं था. तो मेरे पापा तो एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं मेरे बड़े भाई मम्मी से बात किया कि भाई ऐसा करने दो, भरोसा है, देश का नाम रोशन होगा, हमारा सूरत का नाम रोशन होगा, चलो करते हैं. तो ये अभी 10-15 मेडल जीता है, नेशनल अवार्ड जीता है. अब इंशाल्लाह ये आगे के लिए, सब बच्चियों के लिए, सब मुस्लिम हिंदू बच्चियों के लिए, जो भी ये इशू हो रहा है, सबको दिखेगा कि ये ऐसा हो रहा है. फिर भी हमने अकेले भेजा नेशनल के लिए कि जा, तू अकेले लड़ के आ और जीत के आ, और जीत के आई, और हमारे इंडिया का नाम रोशन करेगी इंटरनेशनल में, इंशाल्लाह. अब ये देखना. और सब बच्चियों के लिए मैं यही बोलता हूँ कि जाए और जब अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और अपने देश का नाम रोशन करें. जी, आपका नाम? अनवरी बेगम. अनवरी जी, आपकी बच्ची ने इतने सारे ट्रॉफी जीती है, अवार्ड जीता है, क्या कहना है आपका? हम खुश हैं बहुत. अच्छा, हमारी बेटी जीती तो हम बहुत खुश हैं. आपके समाज में और हर जगह लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, उनके जो टैलेंट को दबाया जाता है, तो आपने कैसे अपने बच्चे को बाहर निकाला और समाज से कैसा प्रतिसाद रहा था? हमने तो उसको छूट दी, जिम भेजा, भेजा उसको जिम भेजा. कैमरामैन मुकेश कुरो साथे मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत.